सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में आपके लिए लेकर आया हूं मैं 10 ऐसे एडवर्ब्स, 10 ऐसे फ्रेजेस जिनका कि बहुत ज्यादा बोलचाल की भाषा में यूज होता है। आपने अक्सर इन सारी एडवर्ब्स को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जब आप कहीं पर कोई रीडिंग कर रहे होते हैं, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, उनमें आप ओवर एंड ओवर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगेन एंड अगेन, बाय एंड बाय, ऑफ एंड ऑन, फॉर एंड वाइड, फॉर एंड नियर, फॉर एंड अवे, ओवर एंड अबव, एंड वंस एंड अगेन, राइट, ये सारे के सारे एडवर्ब्स आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। आज सारे एडवर्ब डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं विद एग्जांपल्स, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो इस सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले जो हम लोग एडवर्ब देखने वाले हैं, दैट इज ओवर एंड ओवर, जिसका मतलब होता है स्टूडेंट्स मेनी टाइम्स। जी हाँ, जब आप कहें किसी से कि आप जो है, यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर, यू हैव मेड द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर, मतलब आपने एक ही गलती को कई बार कर दिया है, मेनी टाइम्स आपने उस मिस्टेक को कर दिया कई बार। इसको आप चाहे तो हिंदी में भी लिख ले, कई बार, राइट, एक ही मिस्टेक को बार बार आपने दोहरा दिया है, उस मिस्टेक को रिपीट कर दिया है, तो ओवर एंड ओवर। ऐसे ही आप किसी से कहें, मैं मूवी कई बार देख चुका हूं, आई हैव वॉच दिस मूवी मेनी टाइम्स, और यू कैन से आई हैव वॉच दिस मूवी ओवर एंड ओवर, आई हैव वॉच दिस मूवी ओवर एंड ओवर। अब जब 2-3-4 बार बोलेंगे, अपने आप आपको ये प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत ही प्यारी एडवर्ब है जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है। द नेक्स्ट एडवर्ब वी हैव स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बोल चाल में भी यूज होता है, सबसे पहले, एट फर्स्ट, जैसे हम लोग जब किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो बातचीत करने में कहते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट को यूज करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एट फर्स्ट, इनका भी आप यूज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की जगह कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बोलने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसका हिंदी मतलब होता है स्टूडेंट सबसे पहले, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले मैं ये काम करना चाहूंगा, सबसे पहले मैं ये लिखना चाहूंगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू राइट दिस, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू टू ऑल दी पीपल, यू नो। तो इस तरीके से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट को हम लोग यूज करते हैं, जिसमें कि हम लोग कहते हैं सबसे पहले, अभी के अभी याद हो जाना चाहिए। मैंने अभी आपसे जो पढ़ा है ओवर एंड ओवर, इसका मतलब होता है मेनी टाइम्स, मतलब कई बार, और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब सबसे पहले, अभी के अभी आपको वीडियो में मैंने कहा ना, लर्निंग का मतलब होता है कि आप देखते हुए चीजों को लर्न कर लो। तो अभी क्या सिखाया मैंने आपको, ओवर एंड ओवर, जिसका मतलब क्या है मेनी टाइम्स। दूसरा मैंने क्या सिखाया आपको, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इसका मतलब क्या है सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट में आपको लेकर चल रहा हूं, अगेन एंड अगेन, भाई ये तो बताने की जरूरत नहीं है, तो बोलचाल में हम लोग यूज करते हैं। व्हाई आर यू मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, व्हाई आर यू गोइंग देयर अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन मींस रिपीटेडली। जब आप कोई काम को बार बार कर रहे हो आप, ठीक है, रिपीटेडली आप उस चीज को दोहरा रहे हो बार बार, तो उसके लिए अगेन एंड अगेन का यूज होता है, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है बोलचाल में। एंड आई इंसिस्ट टू ऑल ऑफ यू टू यूज दिस एडवर्ब, बिकॉज दिस इज वेरी मच यूज्ड, दैट इज व्हाई, अगेन एंड अगेन रिपीटेडली कोई वर्क हम जब करते हैं, व्हाई आर यू हेल्पिंग हिम अगेन एंड अगेन, अब बार बार उसकी मदद क्यों कर रहे हो, इज ही योर फ्रेंड, यस ही इज माय फ्रेंड, दैट इज व्हाई आई एम हेल्पिंग हिम अगेन एंड अगेन। प्रैक्टिकली बोल कर देखो, अभी जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो पढ़ाने के बाद आप लोग क्या करना, सारे के सारे एडवर्ब्स को एक बार खुद बोल कर देखना, उनके मीनिंग को बोलना भाई, तब जाकर अच्छे से आपको लर्न होंगे। चलिए द नेक्स्ट में आपको लेकर चलता हूं बाय एंड बाय, जिसका मतलब है स्टूडेंट्स ग्रेजुअली, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है आप इंग्लिश अचानक सीख जाओगे? नो, यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश सडनली, यू कैन लर्न इंग्लिश बाय एंड बाय, यू कैन लर्न इंग्लिश ग्रेजुअली, यू कैन लर्न इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, यू कैन लर्न इंग्लिश वन बाय वन। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली, वन बाय एंड बाय, इन सब का मतलब होता है स्टूडेंट्स धीरे धीरे। जब किसी प्रोसेस के साथ में काम होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं बाय एंड बाय। You will learn English not suddenly but gradually. You will learn English not suddenly but by and by. Come on, by and by. तो by and by का मतलब होता है स्टूडेंट्स धीरे धीरे, कोई भी काम अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है, उसके लिए by and by, बार बार, again and again, सबसे पहले, first and foremost, over and over, बार बार, over and over, many times. तो इस तरीके से आपको ये सारे याद होना चाहिए। नेक्स्ट है बहुत ही प्यारी एडवर्ब है स्टूडेंट्स, ऑफ एंड ऑन। अब आप देखेंगे ऑफ मतलब दुबंद होता है, ऑन एंड चालू होता है, ऑफ एंड ऑन दोनों को रख दिया तो क्या बंद चालू हो गया? जी नहीं, इसका मतलब होता है नॉट रेगुलरली, मतलब आप गए कभी, कभी नहीं गए, कभी गए, कभी नहीं गए, मतलब समटाइम्स आपकी भाषा में गए, तो इसको हम लोग कहेंगे समटाइम्स। कम ऑन, समटाइम्स, समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी, समटाइम्स ऑफन, यू नो। तो आप जब किसी से कहें आई डोंट गो देयर regularly, I go there off and on,
आई गो देयर ऑफ एंड ऑन, आई गो देयर ऑफ एंड ऑन मतलब मैं वहां कभी कभार जाता हूं, मैं वहां कभी कभार जाता हूं मतलब कभी जाता हूं कभी नहीं जाता हूं, इट्स अप टू मी, मेरे ऊपर निर्भर करता है भाई। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या हो गया भाई, ऑफ एंड ऑन का मतलब हो गया कभी कभार। एक बार छोटा सा बिट रिवीजन, ओवर एंड ओवर, कम ऑन, ओवर मैं नहीं बोलूंगा, आपको बोलना है मेनी टाइम्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कान में ईयरफोन लगा लिया करो जब भी मेरे वीडियोस देखे, और जो चीज मैं पूछता हूं ना उसको फटाफट वहीं बोल दिया करो। मैं चाहता हूं वीडियो से ही आप सीख जाओ, मैं चाहता हूं कि 10 मिनट के वीडियो से ही आप ये पूरे 10 कंजंक्शन, आप ये पूरे के पूरे 10 एडवर्ब्स को अच्छे से सीख लो और प्रैक्टिकली स्पोकन में यूज करो भाई। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू थैंक, ये लाइन को याद कर लो, इस तरीके से याद हो जाएगा आपको ये, अगेन एंड अगेन, वाई आर यू मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, बाय एंड बाय धीरे धीरे ग्रेजुअली, ऑफ एंड ऑन धीरे, ऑफ एंड ऑन धीरे धीरे, बाय एंड बाय मतलब होता है ग्रेजुअली, ऑफ एंड ऑन मतलब होता है समटाइम्स कभी कभार। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का फार एंड वाइड। अब भाई नाम में ही सुनो आप लोग, फार मतलब होता है दूर, वाइड मतलब होता है जो चीज बहुत चौड़ी हो, बड़े लेवल की हो, तो कोई चीज फार भी और वाइड भी है, मतलब ऑलमोस्ट Everywhere, वो सारी जगह है। जैसे मैंने कहा God is far and wide, God is far and wide मतलब God कहाँ है, far and wide मतलब God सभी दूर है, almost सभी दूर है। तो ऐसे situation में far and wide होता है। और मैं आपको बता दूँ students, far and wide और far and near, far मतलब होता है दूर और near मतलब होता है पास, मतलब यहाँ भी और दूर भी, मतलब सभी दूर, तो इसका मतलब भी everywhere होता है। ये दोनों आपको याद रखना है, far and wide, far and near। अगर far and wide की जगह far and near भी यूज कर दोगे या फिर far and near की जगह far and wide भी यूज कर दोगे, दोनों सही है, इनके बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो आई इंसिस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप इन दोनों को एक ही मानकर लर्न करें, फॉर एंड वाइड एंड फॉर एंड नियर दोनों का मतलब होता है एवरीवेयर, सभी जगह, राइट। तो मैं यहां पर इस तरीके से लिख देता हूं, सभी दूर, Everywhere, right? Now students, far and wide and far and near के बाद में अब देखो इसको use कैसे करते हैं हम लोग, इसको use हम करते हैं, मैंने कहा air is far and wide, air is everywhere, हवा जो है वो सभी दूर है, मतलब हवा जो है वो पास में भी और दूर भी है, हवा जो है एक बड़े लेवल पर है, तो far and near आप इसको बिल्कुल use कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इतने सारे एडवर्ब्स को लर्न किया, ओवर एंड ओवर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगेन एंड अगेन, बाय एंड बाय, ऑफ एंड ऑन, फॉर एंड वाइड, फॉर एंड नियर। अब लास्ट के तीन और एडवर्ब बचे हैं, लेट्स सी। सबसे पहला है फॉर एंड अवे। अब देखो भाई यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है, फॉर एंड वाइड था या नियर था, यहां अवे हो गया। अब फॉर एंड अवे क्या होता है, बाय लार्ज डिग्री, मतलब एक हद तक, एक बड़ी हद तक। जैसे मैंने कहा योर परफॉर्मेंस इज far and away better than his performance, मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है एक हद तक, एक काफी हद तक उसके परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा अच्छा है। मतलब जब किसी चीज को हम अगर बाय एंड अवे लगा रहे हैं, फार एंड अवे का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एक हद तक आपका जो परफॉर्मेंस है उसके परफॉर्मेंस से ज्यादा अच्छा है। योर स्पीच इज far and away better than, राइट, योर स्पीच इज फार एंड अवे बेटर देन हिज स्पीच, मतलब आपकी जो स्पीच है उसकी स्पीच से एक हद तक, काफी हद तक बहुत ज्यादा अच्छी। तो फार एंड अवे का मतलब होता है बाय लार्ज डिग्री, एक बड़ी हद तक किसी चीज का होना। तो बहुत प्यारा एडवर्ब है, बिल्कुल अभी के अभी इसको लर्न कर ले। इसके बाद नेक्स्ट है ओवर एंड अबोव। ओवर एंड अबोव का मतलब होता है मोर देन इज नेसेसरी आर देन एक्सपेक्टेड। जब आप किसी के परफॉर्मेंस को कम आंकते हो और उसने जो परफॉर्मेंस दिया वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा हुआ, तो आप क्या कहोगे, यार योर परफॉर्मेंस इज ओवर एंड अबोव। योर परफॉर्मेंस इज ओवर एंड अबोव मींस व्हाट आई एक्सपेक्टेड अबाउट योर परफॉर्मेंस दैट वाज नॉट लाइक दैट, मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आपका परफॉर्मेंस ऐसा कुछ होगा वैसा नहीं था, उससे कहीं ज्यादा अच्छा था, उससे कहीं ज्यादा ऊपर था, उससे कहीं ज्यादा अच्छा था। तो ओवर एंड अबोव का मतलब होता है मोर देन इज नेसेसरी आर देन एक्सपेक्टेड, मतलब जितने की आवश्यकता थी उससे कहीं ज्यादा। जैसे आपको पास होने के लिए 25 मार्क्स लाने, तो आपके नंबर 28 आए, तो क्या कहा जाएगा कि योर मार्क्स आर ओवर एंड अबोव, मतलब आपके जो नंबर है मोर देन इज नेसेसरी, मतलब जितने की आवश्यकता नहीं उससे क्या है, ज्यादा है। तो भाई ऐसे याद रखो, जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो एक क्राइटेरिया है उससे जब ऊपर चीजें होती है तो उसके लिए ओवर एंड अबोव का यूज होता है। बहुत ही प्यारी एडवर्ब है, बिल्कुल आप लर्न करें। द नेक्स्ट वे वंस एंड अगेन, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बोल चाल में इसको यूज करते हैं, वंस एंड अगेन, इसको हम लोग वंस अगेन भी कहते हैं, वंस एंड अगेन एंड वंस अगेन दोनों एक ही है। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स एक बार फिर, जैसे आपने कहा सर क्या पढ़ाया आपने, प्लीज एक्सप्लेन द टॉपिक वंस एंड अगेन, सर एक बार और टॉपिक को दोबारा समझा दो ताकि हमको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। सो दैट इज वंस एंड अगेन। अगर वीडियो पसंद आया ना तो भाई फटाफट कमेंट करके बताओ सर योर वीडियो इज
ओवर एंड अबोव, मतलब जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा अच्छा है। कमेंट पढ़ूंगा मैं आप लोगों के कि सर योर वीडियो इज ओवर एंड अबोव, ये मुझे दिखना चाहिए आपके कमेंट में। नाउ अब आप बात करते हैं कि इनको कैसे लर्न करें। तो भाई लर्न करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, इनको रिपीटेडली अगेन एंड अगेन बार बार पढ़ना है। द मोर यू लर्न देम द मोर यू हैव कमांड ओवर दिस। जितना ज्यादा आप इनको सीखोगे उतनी अच्छी आपकी इन पर कमांड होगी स्टूडेंट्स। तो आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा बार इनको पढ़ो, बार बार इन चीजों को देखो, और एक समय ऐसा आएगा कि आप इनको प्रैक्टिकली अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज करेंगे। एंड आई होप स्टूडेंट्स कि आज के इस वीडियो लेसन में 10 एडवर्ब जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही आसान और सरल सा वीडियो था। फटाफट बढ़ाओ वीडियो को लाइक करके आज के दिन इसे स्टेटस पर रख लो ताकि वो स्टूडेंट जो इसका फायदा लेना चाहता है वो भी सीख जाए। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में। तब तक लेटर डब है, जय हिंद दोस्तों।